नारियों के मुक्तिदाता, शोषितों के रक्षक, और मैं ये कहूं कि सर्व समाज की विधि और विधान बनाने वाले डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को मैं हम सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने आज संविधान में ये अधिकार प्रदत्त किए, जिनकी बदौलत आप सबको यहां पर उचित प्रतिनिधित्व के लिए मांग रखने का अधिकार मिला है। लेकिन कुछ हद तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, और कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण हम सब है। जब अकेले बाबा साहब पूरे भारतवर्ष के इंसानों के लिए सोच सकते हैं, रात दिन अपने अधिकारों के लिए संविधान की रचना करते हैं, और कई देशों के संविधान के अधिकारों को उसमें उल्लेखित करते हैं, और हम आज एक दूसरे की लैग पुलिंग करने से ही बाहर नहीं आते, तो ये बड़ा शोचनीय और गंभीर विषय हमारे बीच में। कहने को तो हम खूब यहां पर मंच पर बहुत लंबी बातें हम कर जाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हम बाबा साहब के आदर्शों को अपने अंदर डाल नहीं पा रहे हैं, ना हम सच्ची विचारधारा को रख पाते हैं। बोलते खूब हैं, खूब लिखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े लोग लेक्चर देते हैं, लेकिन जब उनको अधिकारों की बात आती है तो वहां पर पहुंचने में वो हेजिटेट होते हैं, और बाद में उसमें नुक्ताचीनी करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बेईमानी है। हम डॉक्टर साहब के, डॉक्टर बाबा साहब के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे जो उन्होंने हमें देने का प्रयास किया था। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया, लेकिन हम एक जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष से उनको जोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चेटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चेटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते ही सहज न मोती पानी में, बहता दूना इसी उत्साह इसी हैरानी में। डुबकी से मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, पर हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अब क्या करते हैं, असफलता अगर हमें मिल गई तो वहीं अपना सारे छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। यदि असफलता हमें मिलती है तो क्या कमी रहेगी, इसमें हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आज हम बाबा साहब का यहां गुण
अनुमान कर रहे हैं तो कुछ किए बिना नहीं कर रहे, उन्होंने अपना सब कुछ नौछावर किया। आज माननीय पुनिया साहब का हम गुणगान कर रहे हैं, हंसराज सुमन जी का हम टीयू में गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं कर रहे, इन्होंने अपना रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमारे अधिकारों को हमें दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के ही हम सच्चे अर्थों में बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का संरक्षण रख सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से ये कहना है कि प्रयास करें अपने बच्चों को अपने बाबा साहब की अम्बेडकर जी की जीवनी जरूर पढ़ाएं, और मैं तो हर डिपार्टमेंट में भी ये हमारी मांग है कि बाबा साहब की जीवनी पहली क्लास से ही बच्चों को पढ़ाने के लिए दी जाए, जिससे लोग बाबा साहब के आदर्शों को, उनके असूलों को, उनके अधिकारों को और उनके किए हुए सार्वजनिक कार्यों को पहचान सकें और उनका संरक्षण कर सकें। जय हिंद, जय भारत।